स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक तैयार करने वाले हैं वो है लिंकेज फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन फॉर क्लास 12। चलिए स्टार्ट करते हैं।
बच्चों ये है बनाना फ्लाई फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलेना ग्लॉस्टर का पूरा स्ट्रक्चर। डोमिनेटिंग कौन है यहाँ पर?
और मेल कैसा मिला है हमें, ऊपर क्या था, मेल डोमिनेटिंग था, मेल कैसा कैरेक्टर था। अब यहाँ पर देखें, अगर मेल जो आपके पास मेल मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, देखना जरा यहाँ ये वाई स्मॉल वाई बिना पॉजिटिव साइन के येलो कलर एंड वाइट कलर। इसका अगर रिजल्ट देखें तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है बच्चों, इसका रिजल्ट निकल के आ रहा है कि यहाँ पर पेरेंटल लिंकेज कितना है, पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन ये कितना आ रहा है 98%। और अगर रिकॉम्बिनेशन देखें तो ये आ रहा है 1.3%। ठीक है, यहाँ पर वाई डब्ल्यू फीमेल को आप बता रहे हैं, आप ऊपर लिख सकते हैं फीमेल कैसी बताइए, इन्होंने वाई डब्ल्यू है, वाई डब्ल्यू का मतलब हो गया येलो एंड वाइट, फीमेल कैसी है येलो वाइट हो गई। जो मेल है वो कैसा है, पॉजिटिव का साइन है तो मेल हो गया आपका ब्राउन रेड। अब आप देखिए ये पेरेंट है, ये फीमेल का साइन, ये मेल का साइन, दोनों आपने क्या ले लिए, पेरेंट्स ले लिए, पेरेंट्स के गैमेट अलग करेंगे, गैमेट जाएंगे तो गैमेट देखो यहाँ पर फीमेल का तो कॉमन ही चल रहा है येलो येलो और व्हाइट का, इसका क्या चल रहा है ब्राउन और रेड। तो यहाँ पर जब ये इससे फीमेल वाला इससे भी क्रॉस करेगा, इससे भी क्रॉस करेगा, गैमेट बनने के बाद क्रॉसिंग होगी, और क्रॉसिंग के बाद जो आपकी एफ1 जनरेशन आएगी वो कैसी जनरेशन आएगी, देखो येलो व्हाइट इसके साथ गया ब्राउन रेड के साथ, एक बार तो ये हो गया, एक बार येलो व्हाइट इसके साथ गया मिल के, तो एक बार ये लग गया। तो आप देखो जो फीमेल है वो ऊपर अपने पास क्या थी, येलो व्हाइट थी, फीमेल इस टाइम क्या है जो डोमिनेटिंग इसके पास आ गया ब्राउन और रेड है, और मेल क्या आ गया येलो और व्हाइट। तो एक तरीके से जो जनरेशन है आपने उसको देखा कि पेरेंटल चीजें ज्यादा मिल रही है तो 98%, और ये पेरेंटल आपका ज्यादा गया है बिकॉज ऑफ देखो यहाँ पर ये जो जीन्स है वो क्या है बहुत पास पास है, जीन्स में डिस्टेंस नहीं है, ये तो हुआ आपका क्रॉस। और इसी को देखते हुए इन्होंने किया क्रॉस भी, अब हम करने वाले हैं क्रॉस के अंदर, आप क्रॉस को देख लीजिए। आइए बच्चों आप हम लेने वाले हैं क्रॉस की, क्रॉस बी में पेयर, अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, अब हम लेंगे विंग्स और आई, तो फीमेल जो है आपकी ये रहा भाई, तो फीमेल ले रहे हैं आप विंग्स क्या डिफरेंस आया देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है फीमेल वही, इसमें
में, लेकिन डिफरेंस क्या आया कि पैरेंटल जो कॉम्बिनेशन था वो हमें कितना मिला?
और कंक्लूजन क्या था? जो लिंकेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन टू जी, ये तो आपने देख लिया। क्रॉस ए और क्रॉस बी में डिस्टेंस को देख चुके हैं आप, बट जो आपका रिकॉम्बिनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन कम है डिस्टेंस ऑफ चेन भी कम है। अगर हम इसका क्वेश्चन देखना चाहें तो जीन्स का अरेंजमेंट, इसके लिए अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो
ये आपका क्रोमोसोम है ऊपर वाला लाइन, अब ए डी तो उससे थोड़ा कम आपका ए डी हो गया 60%। यहाँ पे आप टी पर मार्क कर लीजिए, कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब।